Dear students, welcome you all. I am Monica Dwivedi, Department of Home Science, Uttarakhand Open University. I welcome you all in the lecture series of Food Service Management, which is MAHS 08. Students, I welcome you all in the second unit, which is Types of Food Services and Food Management. अर्थात खाद्य सेवा का प्रकार तथा खाद्य प्रबंधन. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस इकाई में किस किस चीज के बारे में आपको बताया गया है. इस इकाई में आप खाद्य सेवा के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे, खाद्य सेवा वितरण की विभिन्न प्रणालियां और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे. इसके अतिरिक्त खाद्य सेवा प्रणाली या खाद्य सेवा इकाइयों में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण क्या तथ्य हैं इसके बारे में आप जान पाएंगे. इसके अलावा खाद्य सेवा प्रबंधन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, इसके लिए क्या क्या आवश्यक साधन हैं इसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे. तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं खाद्य सेवा के प्रकारों के बारे में. स्टूडेंट्स, हमारी जो खाद्य सेवा इकाइयां हैं इसमें कई टाइप की प्रणालियां चली आ रही हैं. जो पुराने कुछ ऐसी प्रणालियां हैं, कुछ ऐसी अप्रोचेस हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं और कुछ प्रणालियां नई भी आई हैं. तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं परंपरागत सेवा प्रणाली. इस प्रणाली के अंतर्गत खाद्य सामग्री को उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अलग अलग क्रय किया जाता है, किंतु सभी उत्पाद तैयार होने के पश्चात उसी परिसर में उपभोक्ता को परोसे जाते हैं. अर्थात जिस प्रकार आप देखते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं और उसके बाद वो लोग आपकी इच्छा अनुसार जो भी आपने ऑर्डर किया होता है उसके अनुसार आपको आपका फूड आपको वितरित मिल जाता है गर्म अवस्था में. इस खाद्य सेवा में श्रम लागत बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कच्ची सामग्री आती है, कच्ची सामग्री से आपकी पूरी प्रिपरेशन की जाती है, फिर आपके ऑर्डर के हिसाब से उसी समय उस व्यंजन को गर्म करके आपको परोसा जाता है. तो इसमें जो श्रम लगता है इसको कम करने के लिए या उसमें एक संतुलन बनाने के लिए कच्ची सामग्री तथा व्यंजन पदार्थों को क्रय करने की प्रक्रिया में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं. इसमें आंशिक रूप से तैयार कच्ची खाद्य सामग्री का उपयोग करके उत्पादन करने से आवश्यक श्रम लागत को कम किया जा सकता है. इस सेवा व्यवस्था में पूर्ण रूप से प्रसंस्कृत खाद्यों से लेकर प्रसंस्करण रहित खाद्य पदार्थ विक्रय किए जा सकते हैं, जिससे कि आपका रॉ मटेरियल को तैयार करने वाला जो प्रोसेस है उसको कम किया जा सके. इसमें खाद्य पदार्थों को सीधे बाजार से क्रय करके सेवा से पूर्व शीतित किया जाता है, अर्थात चिल्ड कर दिया जाता है, जैसे दूध, मक्खन, आइसक्रीम आदि को कर सकते हैं. और जबकि व्यंजन सामग्री उत्पादन के उपरांत सर्व होने तक गर्म अथवा ठंडी अवस्था में रखे जाते हैं, अर्थात जैसा भी ऑर्डर मिलता है कि गर्म अवस्था में है जो चीज, गर्म अवस्था में, और जो ठंडी अवस्था में उसे ठंडी अवस्था में परोसा जाता है. या नॉर्मल रेस्टोरेंट सेवा या होटल में जो आपकी सेवा चलती है उनसे इसको समझ सकते हैं. दूसरी आती है कमिश्री सेवा प्रणाली. इस खाद्य सेवा उद्योग में प्रतिनिधि सेवा प्रणाली या कमिश्री सेवा प्रणाली का जन्म तकनीकी आविष्कारों और परिष्कृत उपकरणों की उपलब्धता के परिणाम स्वरूप हुआ है. अर्थात जो भी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं या जो भी हमें इक्विपमेंट्स मिले हैं या जो हमें फैसिलिटीज मिली हैं, इसके आधार पर ये कमिश्री सेवा प्रणाली शुरू करी गई. इस प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता खाद्य पदार्थों की केंद्रीकृत खरीद तथा उत्पादन सुविधा है, जिसके अंतर्गत तैयार खाद्य उत्पाद अंतिम निर्माण प्रक्रिया एवं सेवा वितरण हेतु सुदूर केंद्रों में भेजे जाते हैं. अर्थात जो आपने सुने होंगे कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं या फिर बड़े बड़े स्टोर सेंटर्स जो है वहां पे सामान लाके स्टोर कर दिया जाता है, उसके बाद विभिन्न फूड जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, फूड जो भी आपके सेटअप्स हैं उनपे इनको भेजा जाता है. यह केंद्रीकृत उत्पादन स्थल केंद्रीय कमिश्नरी के नाम से जाना जाता है तथा सेवा प्रदान करने वाली इकाइयों को अनुचर सेवा केंद्र या सैटेलाइट सर्विस सेंटर कहते हैं. अर्थात जो लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको अनुचर सेवा केंद्र कहते हैं. केंद्रीकृत उत्पादन स्थलों पर महंगे तथा स्वचालित उपकरणों का प्रयोग करके अप्रसंस्कृत कच्ची खाद्य सामग्री से खाद्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं.
इस जो ये सेवा प्रणाली है इसमें आप प्रोसेस्ड फूड या फिर आप कह सकते हैं उनको इसमें स्टोर किया जाता है, और उसके बाद आप इसको प्रयोग करने के लिए विभिन्न स्थलों पर इसको भेज देते हैं या फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अब देखिए इसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं। इसमें कच्ची सामग्री का थोक मात्रा में क्रय किया जाता है, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया, उसका भंडारण किया जाता है, तत्पश्चात वो वहां से कहीं दूसरे स्थानों को भेजे जाते हैं। और इसमें खाद्य पदार्थ जो है प्रसंस्कृत रूप में भी रखे जाते हैं। खाद्य उत्पादों का अनुचर सेवा केंद्रों में फिर वितरण किया जाता है। इन विक्रय केंद्रों पर आपूर्ति से लेकर सेवा समय तक उत्पाद को उचित वातावरणीय परिस्थितियों में फ्रोजन या फिर रेफ्रिजरेटेड अथवा जो शुष्क भंडारित, जैसे भी आपको उनको भंडारण करना है अर्थात स्टोर करना है, उस अवस्था में रखा जाता है, जिससे कि उनकी अपनी क्वालिटीज, उनके अपने गुणों में कोई चेंजेस ना आए, वो पूर्ववत बने रहें। अधिकांश उत्पादों की पूर्णता श्रेणी निम्न स्तरीय होती है तथा अनुचर सेवा केंद्रों में वितरण सेवा से पूर्व उत्पाद का अतिरिक्त रूप से तापीयन किया जाता है। अर्थात जो भी फूड प्रोडक्ट्स आपने वहां पे स्टोर किए हुए हैं उनकी जो क्वालिटीज हैं, जिसे मैंने पहले ही बताया, उनको चाहे वो फ्रोजन हो, चाहे रेफ्रिजरेटेड हो अथवा ड्राई स्टोर करने के लिए हो, तो उनको उसी प्रकार से स्टोर किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी उनका एक थर्मलाइजेशन या फिर तापीयन किया जाता है। कमिश्री खाद्य सेवा है, ये कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही सेवा प्रदान करने के लिए उपयुक्त होती है। वायुयान सेवा द्वारा वितरित खाद्य आपूर्ति इस प्रणाली का उदाहरण हो सकता है। जैसे आप देखते हैं कभी किसी विशेष परिस्थिति में भी होता है या फिर नॉर्मल कंडीशंस में भी बाय एयर काफी फूड प्रोडक्ट्स का इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। इसमें आप जैसे अगर एग्जाम्पल आप समझना चाहें, वायुयान में ट्रॉली अथवा जैसे वायुयानों के माध्यम से हमने इधर उधर सामान वितरित किया, अब इसमें आता है कि किस प्रकार से सामानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है या किस प्रकार से उनका वितरण किया जाता है। तो इसमें क्या करना करा किया जाता है कि खाद्य सेवा प्रदान करने के लिए खाद्य उत्पादों को बुनियादी सुविधाओं के साथ भूस्थल पर तैयार कर लिया जाता है, अर्थात आधी प्रिपरेशन उसकी जमीन पर ही हो जाती है। उसके बाद वायुयानों में उत्पाद लोड किए जाते हैं और वायुयान में ट्रॉली अथवा करियर के द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के व्यक्तिगत अंश पैकेट्स वगैरह में बंद करके उनका वितरण किया जाता है। अर्थात हमने यहाँ से किसी भी एयरक्राफ्ट में या फिर हमने किसी भी जो भी उनके लोड 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 ले जाने वाले जो भी आपके बाय एयर जो भी आपकी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनमें हमने इनको पैक कर दिया। उसके बाद जिन भी स्थानों पर इनको वितरित किया जाना है पैकेट्स बना के वहां पे वितरित कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, वह शीघ्र निर्मित खाद्य सेवा या रेडी प्रिपेयर सर्विस। इस सेवा अंतर्गत हम व्यंजन सूची के उत्पादों को तैयार करके वितरण के समय तक हिमाच्छादित तथा प्रशीतन करके रखा जाता है। जैसे आप आजकल देखते हैं, आपने देखा है कि चीज वगैरह या फिर आप फ्रोजन मटर लेते हैं या फ्रोजन कोई भी सामान लेते हैं, आजकल तो रेडी रेडी टू ईट आपकी सारी वेजिटेबल मिक्स वेज वगैरह सब आती हैं, सब मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको कि फ्रोजन अवस्था में स्टोर किया जाता है और जिस समय इनका प्रयोग करना होता है उस समय ही इन्हें डिफ्रोज मतलब कि उनको हटाया जाता है फ्रोजन वाले एनवायरमेंट से उसी समय तुरंत जब आपको उनसे कोई व्यंजन तैयार करना हो। परंपरागत खाद्य सेवा के विपरीत शीघ्र निर्मित खाद्य सेवा में खाद्य उत्पादों को अविलंब सेवा के उद्देश्य से तैयार नहीं किया जाता है। यद्यपि सेवा के अंतर्गत अधिकांश उत्पादन पैकिंग तथा भंडारण तकनीकियां कमिश्री प्रणाली के समान होती हैं, किंतु उत्पादन का स्तर बृहद न होकर एक खाद्य सेवा इकाई की आवश्यकता के अनुरूप मात्रा में कम होता है। अर्थात जितना उस खाद्य सेवा इकाई को आवश्यकता होगी उतना ही वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और उसे अपने पास स्टोर करेंगे और जिस प्रकार से उसे एक कस्टमर से ऑर्डर मिलेगा उसी प्रकार से वो उसको निकाल कर उस एनवायरमेंट से निकाल कर प्रयोग में लाएंगे। खाद्य उत्पाद को सेवा से पूर्व दो चरणों में तापीयन किया जाता है। सर्वप्रथम उत्पादन प्रक्रिया के समय खाद्य सामग्री को पकाया जाता है तथा दूसरी बार भंडारण के पश्चात तथा परोसने से पूर्व तैयार मेन्यू उत्पाद को पुनः ताप देकर गर्म किया जाता है। जैसे आप जो आपकी फ्रोजन वेजिटेबल्स आती हैं उसमें स्टोर करने से पहले
उन सब्जियों को या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसको पका दिया जाता है। उसके बाद उसे पैक करके फिर फ्रोज डीप फ्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद डीप फ्रीज से उसे तभी निकाला जाता है जबकि उनका प्रयोग करना होता है या फिर आपको उसका उससे कोई मेन्यू या कोई भी व्यंजन बनाना होता है। इसकी दो विशेषताएं होती हैं, विविधताएं होती हैं। इसमें कुक चिल होती है, कुक फ्रीज होती है। कुक चिल में अधिकांश उत्पादों को अलग अलग समयावधि के लिए चिल्ड अवस्था में रखा जाता है या प्रक्षेपित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर कुक फ्रीज में उत्पाद प्रायः कम से कम 15 दिन से लेके 3 महीने तक आप फ्रोजन में रख सकते हैं। चिल्ड और फ्रोजन दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो इसका अर्थ जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि फ्रोजन जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें आप अधिक लंबे समय तक यूज कर सकते हैं बशर्ते कि वो उसी टेम्परेचर पे स्टोर किए जाएं जिसमें कि वो फ्रोजन अवस्था में रहें। उत्पाद की धारण अवधि अधिक विस्तारित होने से खाद्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक समय के बाद फूड प्रोडक्ट जो भी आपका है खाद्य पदार्थ उसके अपने गुणों का ह्रास होने लगता है अर्थात वो खराब होने लगते हैं। तो अतः इसके लिए आवश्यक क्या है, एक तो ये कि अगर आपने उसे कुक चिल भी किया है या कुक फ्रोजन जो भी आपने उसको किया हुआ है उसके लिए जो निश्चित समयावधि है उसके अंतर ही उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, उसका अतिरिक्त समय बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। कुक चिल तथा कुक फ्रीज जैसे मैंने आपको बताया दो अवस्थाएं हैं, तो इन दोनों ही अवस्थाओं में खाद्य उत्पादक जो भी आपका खाद्य उत्पाद है उसको जब कस्टमर को सामने आपको जब उसको परोसेंगे या देंगे उससे पहले गर्म किया जाता है। और ये गर्म करने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, देखिए पहला प्रारंभिक चरण में ताप देने की प्रक्रिया में उत्पादित पदार्थ को आधा अथवा आंशिक रूप से पकाया जाता है क्योंकि इसके कारण द्वितीय चरण में उसको गर्म करने पर उसकी संवेदी जो गुणवत्ताएं हैं उनका ह्रास या नष्टीकरण नहीं होता है और भोजन की जो गुणवत्ता है वो अच्छी बनी रहती है। धारण अवधि अर्थात जो उसकी स्टोर कैपेसिटी है उसकी, अगर विस्तार सीमा खाद्यों का पोषक मान सूक्ष्म जैविक सुरक्षा तथा वांछित संवेदी गुणवत्ता निर्धारित करने का कार्य करती है। अर्थात जो उसकी धारण अवधि है अर्थात कितने समय तक उसको स्टोर किया जा सकता है यह कैसे डिसाइड किया जाता है, ये वह अवस्था होती है जब तक उसके पोषक मानों में और वह सूक्ष्म जैवीय रूप से सुरक्षित रहे और उसकी वांछित जो संवेदी गुणवत्ता है वो उसमें बनी रहे, उस सीमा तक हम उसकी अवधि को विस्तारित कर सकते हैं। जितनी आप उसकी धारण अवधि लंबी करेंगे या अधिक समय तक उसका आप तापीयन करेंगे उससे आप जो उसके पोषक तत्व होंगे उनके मानकों को कम करेंगे अर्थात उसके पोषक तत्वों में कमी आ जाएगी। द्वितीय चरण में जो आप उसका टेम्परेचर देते हैं या नियंत्रित तापीयन करते हैं उसके उसके लिए आप माइक्रोवेव ओवन, कन्वेक्शन ओवन तथा निमज्जन तकनीकी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने खाद्य सेवा प्रणालियों के दो प्रकारों के बारे में पढ़ा। इसकी एक प्रणाली जो है उसके बारे में हम अपने इसके भाग दो में पढ़ेंगे जो कि है संयोजन खाद्य सेवा। इसके अलावा हम अगले भाग में खाद्य प्रबंधन और प्रबंधन के साधन इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस वाली श्रृंखला में इतना ही। थैंक यू।